वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। आप पहले जो मैरिनेट करना है उसके इंग्रेडिएंट्स लिख लो। मैंने 1 kg मटन ली हूँ, 1 kg ली हूँ वॉन्ट मटन। उसके लिए मैंने ली हूँ 2 tablespoon पपैया का पेस्ट, 2 tablespoon चाहिए हमको। रेड चिल्ली पेस्ट मैंने 2 tablespoon ली हूँ। धनिया मैंने 2 tablespoon ली हूँ। गरम मसाला मैंने 1/2 tablespoon ली हूँ। शाहजीरा मैंने 1 teaspoon ली हूँ। ये आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो। मैंने ये नींबू के फूल ली, सिट्रिक एसिड ली 1/4 teaspoon। 1 tablespoon मैंने जीरा पाउडर ली, 1/2 teaspoon मैंने हल्दी ली और 2 tablespoon मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली और 1 cup यानी 1 kg को 250 grams मैंने कर्ड ली और 250 ml ऑयल ली जो हम अभी मैरिनेट करके रखेंगे। कम से कम आपको 4 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है। लेकिन ये बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाना। हम सबसे पहले इसमें जो मटन है हमारा 1 kg, उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमेशा आपको हमारी हिसाब से डालना है। मैं इसमें 1 tablespoon सॉल्ट डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर हम पपैया पेस्ट डालेंगे। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम गोश्त धोएंगे तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमको छलनी में रखना है, ताकि उसका पानी सब निकल जाए। हमको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उसके अंदर। अभी हमने सॉल्ट और पपैया डाल दिए। अभी हम इसको अच्छे से हाथ धोकर मिला लेंगे। एकदम अच्छे से इसको लग जाना चाहिए पपैया और सॉल्ट। उसके बाद हम दूसरे मसाले डालेंगे। अभी इसके बाद हम डाल रहे हैं इसके अंदर तेल, ऑयल डाल रहे हैं हम। अच्छा नहीं, हमने दही नहीं लगाए, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाना भूल गए थे। जिंजर गार्लिक पेस्ट और पपैया पेस्ट और सॉल्ट लगाकर हमको 1/2 hour के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा आराम से मिक्स करके इसको छोड़ देना है। उसके बाद 1/2 hour के बाद हम क्या लगा दें आपको मैं बताती हूँ। अभी मैंने क्या करूँगी, 1/2 hour हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं सारे सूखे मसाले डालूँगी। मैं शाहजीरा डालूँगी, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। अभी हम नींबू का जो फूल है वो डालना है, या तो हमको 1 कक्खा नींबू का जूस डालना है। अगर नींबू का फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू का जूस डाल देना। और मैंने हाथ धो चुकी हूँ, और जो हमारा ऑयल है, और अच्छे से हमको मटन को मिक्स करना है, डालकर सब इसको मैरिनेट करके अभी मैं फुल नाइट। अगर आपके पास टाइम नहीं तो 3 to 4 hours भी आप रख सकते हैं। अगर टाइम है तो फुल नाइट के लिए रख देना। ऐसे इसको मैरिनेट कर दिया हमने, सब मसाले दिए मसाले को। अब इसके अंदर हम लास्ट में डाल देंगे दही, और वो डालकर हम मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। हमने दही डाल चुके हैं, अभी हम इसको फिर से मैरिनेट करके रख देंगे। और इसके बाद हमको क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी पानी हमारा बॉईल हो रहा है, मैंने गोश्त मसाला लगा कर रख दी थी ओवरनाइट। अभी हमारा पानी बॉईल हो रहा है, ये राइस का पानी है जो हम जिसमें हमको राइस डालना है। तो पहले आप लोग ये समझ लो कि वाटर को ऐसे बॉईल करना है। अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 tablespoon, हाँ 2 tablespoon मैं ऑयल डाल रही हूँ। और मैंने 1 kg गोश्त के लिए 1/4 kg राइस ली, ठीक है। अगर आपको 1 kg को 1 kg डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1/4 kg ली। और मैंने पूरा गरम मसाला ली हूँ, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिरी 8-10, लौंग या 8-10, और शाहजीरा 1/2 teaspoon। और ये सारा गरम मसाला मैं पानी में डाल रही हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको ये बताई थी जब मैंने खीमे का मसूर पुलाव बनाई थी, लेकिन ये अभी सेकंड में बता रही हूँ। और दूसरी बार से मैं जब बिरयानी बनाऊँगी तो आपको राइस का ये नहीं बताऊँगी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बोलकर मैं आपको बता रही हूँ। और अभी पुदीना डाल रही हूँ। और अभी अगर आपके पास नींबू का फूल है तो आप नींबू का फूल डाल सकते हैं, और नहीं है तो फिर 1 नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। मैं सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ ताकि चावल एकदम सफ़ेद सफ़ेद बने हमारे। और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। नमक तो हमको हमारे हिसाब से डालना है।
और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी इसको बॉईल करेंगे और इस राइस इसमें हम मैंने राइस बासमती राइस 4-5 घंटे पहले भिगा चुकी हूँ, 3 से 4 घंटे पहले अच्छा धोकर भिगाना है हमको, अगर नहीं तो 1-2 घंटा पहले भी तुम भिगा सकते हैं ठीक है, मगर धोकर कभी भी राइस भिगा कर नहीं धोना, नहीं तो टूट जाएंगे राइस, बुक्का हो जाएंगे। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना है हमको पकाने में, वो नहीं तो हमारा खाना ख़राब हो सकता है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे बाद में राइस, थोड़ा और इसको बॉयल होने देंगे, जब तक हम आपको बताते हैं कि कैसा लेयर लगाना कच्चे गोश्त की बिरयानी का। ये मेरी आंटी की रेसिपी है, वो उन्होंने मुझे बताया और मैं बना रही हूँ। ये कच्चे गोश्त की बिरयानी, कभी हम लोग कच्चे चावल भी डालते हैं, अभी हम लोग तो बॉईल करके डाल रहे हैं, बोलकर मैंने 1 घंटा सोक करी हूँ, भिगा कर रखी हो, लेकिन अगर आपको कच्चे चावल डालना है तो आपको 4 घंटा पहले राइस को भिगाना है और फिर ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उसी मेथड से आपको बनाना है, इसलिए 4 घंटा पहले। अभी मैं इसमें राइस डाल रही हूँ और ये हम ये देखो हमने ये ओवरनाइट रख दिए थे ना मटन को मसाला लगाकर। अभी इसके अंदर हम डालेंगे बादाम का पेस्ट, ये 10 से 12 बादाम लेना है 1 kg मटन में, और चॉप पुदीना है, चॉप कोथमीर है, कॉरिंडर है, और ये केवड़ा मैंने ली हूँ, केवड़ा एसेंस उसका मैंने वाटर बना के रखी हूँ। ये प्योर घी लगेगा हमको और ब्रिस्ता लगेगा हमको, मैंने 1 kg मटन में 3 ऑनियन ली हूँ बड़े हुए, उसका ब्रिस्ता बनाई हूँ। इसमें कलर लगेगा हमको जो हम ऊपर से डालेंगे, और जाफरान को मैंने मिल्क में सोक करके रखी हूँ, वार्म मिल्क में, तो ये हम डालेंगे ऊपर से। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आज के हैं, कल के मैंने इंग्रेडिएंट्स अलग से बता दी थी आप लोगों को। ये बिरयानी बहुत अच्छी लगती है लेकिन इस तरीके से आप लोग बनाना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अभी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दी, अभी मैं ये बता रही हूँ कि सब मैं डाल रही हूँ, देखो ये सब चीज़ें मैं डालते जा रही हूँ इसके अंदर, जो हमने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताया उसमें। पहले मैंने बादाम का पेस्ट डाली, अभी पुदीना डाली, चॉप कोथमीर डाल दी, इसमें से मैंने थोड़ी कोथमीर पुदीना और ब्रिस्ता थोड़ा साइड में रखी हूँ ताकि हम जब दम पे देंगे उस वक्त भी डालेंगे ऊपर से। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर हम नहीं डालेंगे, हम ऊपर से राइस पे डालेंगे केवड़ा वाटर और जाफरान का दूध। और अभी हम डाल रहे ब्रिस्ता और बाकी सब चीज़ें हम ऊपर से डालेंगे, और अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मैंने हाथ धो चुकी हूँ अपने, कभी भी हाथ धोकर हमको काम करना है इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से ही हमको मिक्स करना पड़ेगा इसको। और इसको हम, और हाँ हमारे राइस मैंने जब बॉईल आ गया वाटर को तो इसको कवर करके रख दी थी, और 5 मिनट्स के बाद राइस को ड्रेन कर ली, जब बॉईल आने के बाद 5 मिनट्स के बाद। अब वो यानी एक कनीब चावल हमारे को पके हुए चाहिए, ज़्यादा पके हुए राइस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो कच्चा है, तो इसके लिए हमको एक कनी चावल पकना चाहिए, ज़्यादा पकना नहीं चाहिए चावल, तो फिर जब ये गोश्त का पानी छूटेगा तो ये राइस गल जाएंगे, उसमें ही बन जाएंगे। अभी हम आलू बिछा दियो और थोड़े से राइस मैंने बिछा दियो, अभी हम इसको दम दे रहे हैं, इसके लेयर्स लगा रहे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। कच्चे आलू भी बिछाई मैंने, क्योंकि ये गल जाएंगे अपने आप में। अभी हम इसको डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ऐसा, मेरे को आदत है बोल के मैं ऐसा डाल रही हूँ। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, पूरा बराबर से इसको डाल चुकी हूँ, और थोड़ा सा अगर किधर ऐसा ज़्यादा है तो उसको हमको हाथ से ये करना। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ ताकि मुझे फिर ये नहीं हो कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, और आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो कि हमको ये चीज़ नहीं मालूम कैसा कर रहे थे, बोलकर मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसी बनती है बोलकर। ये देखो पूरा मसाला सब कुछ हमने डाल चुके, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टैप करेंगे ताकि सब चीज़ जिधर उधर बैठ जाए, आपको मैं टैप करके बताती हूँ। ये देखो मैंने
ये पूरा डाल दिया। अभी हम इसे करेंगे, कोई चीज़ हम बना रहे तो उसको ऐसे थोड़ा ऐसे करेंगे ताकि अगर किधर नहीं बैठे उससे प्रॉपर ये बैठ जाएंगे। हो गया, ये हो गई टाइपिंग। अब इसके ऊपर हम राइस डालेंगे, थोड़ा घी डालेंगे। क्लियर बराबर से बिछा दी हूँ, अभी मैं इस पर पूरा राइस डाल दूँगी। ओके, मैं पूरे राइस एक साथ डाल देती हूँ। ये देखो, ये हमने पूरे राइस डाल दिए। अभी हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो इसको भी मैं अभी टैपिंग करूँगी। टैप इधर से चावल बैठे नहीं तो बैठ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम टैप करते हैं। ये देखो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। पहले से मैंने तवा चढ़ा दिया गैस पर गर्म के लिए। ओके, तो हम पहले तवे के ऊपर इसको रख देंगे फुल गैस के ऊपर। ये कम से कम बनने के लिए इतनी बड़ी बिरयानी एक से डेढ़ घंटा जाएगा, डेढ़ से ज़्यादा भी जा सकता है, मैं वन एंड हाफ आ तो चाहेंगे ही जाएगा। देखो सबसे पहले हम कलर डाल रहे हैं। कलर को हम सिर्फ एक ऐसा ही राउंड बना लेंगे क्योंकि बाकी के राइस हमको वाइट चाहिए। ये हमने कलर डाल दिया। अब इसके ऊपर हम मिल्क में जो भिगाया हुआ केवड़ा ये था सेफ्रॉन वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने डाल दी। मैं आपको एक एक टिप्स बता रही हूँ, फिर बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो क्या क्या डाले थे आपने और कैसा डाले थे। फिर तो इसके बाद हम केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। ये केवड़ा वाटर हम डाल रहे हैं, पर इसको अच्छे से हमको सब तरफ डालना है, सिर्फ एक तरफ नहीं डालना है, ये बात याद रखना, हर तरफ डालना है ताकि बिरयानी में अच्छी खुशबू आ जाए। हाँ, अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे सब तरफ से, जैसे हमने सब चीज़ें ये करे डाले वैसा ही हर तरफ से हम डालेंगे हर चीज़ को। सिर्फ कलर को हम एक राउंड बनाएंगे, बाकी सब चीज़ों को हम हर तरफ से डालेंगे। ये हमने प्योर घी डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, मैंने आपको बोली थी कि मैं ब्रिस्ता और कोथी पुदीना थोड़ा रखी हूँ ताकि ये दम पे डाल सके। सॉरी, ये देखो ये मैंने अभी ब्रिस्ता डाल दियो। आपको मैं नज़दीक से बताती हूँ। और अब मैं कोरिएंडर एंड मिंट डाल रही हूँ। ये देखो, अब इसको हम फिर सिल्वर फॉइल से, लोग बहुत से लोग आटे से करते हैं लेकिन मैं आपको सिल्वर फॉइल से पैक करके बताती हूँ क्योंकि आटे से बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ये देखो, मैंने ये सिल्वर फॉइल का एक साइड से ली और इसको अच्छे से मैंने ये करके इसको यहाँ से प्रेस करना है हमको। ओके, यहाँ पर एकदम अच्छे से प्रेस करना है देखो, ताकि हमारी भाप बाहर नहीं निकले। ये देखो, इस सबको हमने टाइट कर दी है ना, एकदम टाइट बिठा दी ना। अब दूसरी तरफ से आधा ऐसा लेंगे तो ये सिल्वर फॉइल से दम अच्छे से आ जाएंगे, आपको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, दूसरी साइड से भी हमने लगा दिए और इसको जल्दी जल्दी, और जो हमने चावल बॉईल करे ना वो ठंडे नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएंगी। चावल जब हम चावल बहुत अच्छे गर्म होना चाहिए और जब ही हमको इसको लगाना है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको लगा दी, बता दी। अब इसको मैं ये कवर कर दूँगी। अभी मैंने फ्लेम फुल हाई फ्लेम पर रखी हूँ 10 मिनट्स तक, और उसके बाद मैं मीडियम में करूँगी हाफ एन आवर, और उसके बाद उससे मीडियम कर दूंगी, वो मीडियम की मीडियम कर दूंगी, वो हाफ एन आवर रखूंगी। उसके बाद जब दम फूटेगा तो और 15 मिनट्स मैं उसको एकदम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। आप ये मिनट्स याद रखना, अभी आपके गैस के हिसाब से आपके तरीके से आपको बनाना है, मैंने अपना तरीका आपको बता दियो। अब इसके ऊपर हम वेट रखेंगे। मेरे पास ये बड़ा पत्थर है जिसमें हम मसाला कूटते, वो मैं इस पर रख रही हूँ। ऐसा आपको हैवी कोई चीज़ इस पर रख देनी है ताकि इसके भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, है ना। हो गया ना ये मेरी डिश रेडी। अभी आप जब बन जाएंगी तो प्लेट आउट करके आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी हो गई रेडी, मैंने प्लेटिंग कर दी हूँ। आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स में बताना, बहुत अच्छी बिरयानी बन गई है। देखो आपको मैं बताती हूँ गोश्त कैसा टूट रहा है इसका। ये देखो एकदम सॉफ्ट गोश्त है, बहुत गर्म है इसके लिए, सब नली से गोश्त छूट चुका है। देखो ये देखें, ये देखो पीसेस, सिर्फ थोड़ा सी हाथ लगा रही हूँ तो बट टच, कच्चे गोश्त की बिरयानी है। आप लोग ज़रूर बनाना। अल्लाह हाफिज़।